What is up guys, welcome to the DSAOne course और आज हम बात करने वाले हैं bit manipulation के बारे में। आज हम bit manipulation के अंदर थोड़े advanced level question solve कर रहे होंगे। आज हम basically XOR के बारे में जानेंगे, XOR कितना powerful होता है। XOR को हम already वैसे देख चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा और जानेंगे XOR के बारे में और काफी advanced level के question solve कर रहे होंगे आज हम, ठीक है। आज के वीडियो देख लेने के बाद आप बिट मैनिपुलेशन के अंदर किसी भी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। आज मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको जाके ट्राई करना, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली XOR के बारे में जानना है और ये तीन क्वेश्चन हैं ये हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो XOR के बारे में ऑलरेडी पता है हमें। XOR बेसिकली आपके अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए XOR की तो कुछ ऐसी होती है, अगर दोनों बिट सेम है तब आंसर आपका जीरो आता है, अगर दोनों बिट्स अलग अलग है तो आपका आंसर वन आता है, राइट। कुछ इस तरीके से XOR की टेबल होती है। और इसकी हेल्प से आप एक चीज़ और भी कह सकते हो कि जब भी दो नंबर सेम है तो उनका XOR हमेशा जीरो रहेगा। जैसे कि सपोज कोई भी नंबर है, सपोज फाइव है, तो फाइव XOR फाइव हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। कैसे? क्योंकि अगर आप इसको बिट्स में चेंज करोगे तो भी आपका फाइव होता है 101, राइट, और ये वाला फाइव भी होगा 101। आप इसको XOR करोगे तो 1 XOR 1 विच इज 0 0 XOR 0, 1 XOR 1 0, तो आपका आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो मतलब एक नंबर का उसी नंबर के साथ XOR करोगे तो वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी XOR की क्या होती है कि जीरो के साथ किसी भी नंबर का आप XOR कर लो, कोई भी नंबर, सपोज करो n, वो हमेशा n के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का आप अगर जीरो के साथ XOR करोगे तो वो हमेशा वही नंबर आता है। तो ये कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो XOR को थोड़ा सा यूजफुल बना देती हैं और हम इस क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द ओनली नॉन रिपीटिंग एलिमेंट इन एन एरे वेयर एवरी एलिमेंट रिपीट्स ट्वाइस, ठीक है। सपोज करो ये एरे है और इस एरे के अंदर हर नंबर दो बार रिपीट कर रहा है सिर्फ इसके, ठीक है। थ्री आपका एक ही बार है तो आपको बताना ये थ्री कहाँ, मतलब ये एलिमेंट कौन सा है। तो एक तरीका जो हमें समझ में आ रहा है वो तो बहुत सिंपल है। बेसिकली आप दो बार लूप चला दोगे, नेचुरल लूप चला सकते हो इजीली, और आप चेक करोगे जैसे फाइव के लिए आपने चेक किया कि दूसरा फाइव प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर दूसरा फाइव प्रेजेंट है तो आप आगे मूव कर जाओगे, अगर दूसरा फाइव प्रेजेंट नहीं है तो फाइव ही आंसर है आपका। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन इसकी अगर सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी टाइम कॉम्प्लिकेट आएगी ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। थोड़ा और बेटर हम कर सकते हैं इसे। एक और अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर स्पेस यूज़ करते हैं, ठीक है, हैश मैप यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम ओ ऑफ एन स्पेस यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन ओ ऑफ एन में फिर हम इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। कैसे? जैसे हमें फाइव मिला, हमने इसको एक हैश मैप में डाल दिया, हैश मैप में डाल दिया, फिर हैश सेट के अंदर डाल दिया, सेट के अंदर डालते चलेंगे। जैसे फाइव को डाल दिया सेट में, फोर को डाल दिया सेट में, वन को डाल दिया सेट में, फिर अगेन जब आपको फोर मिलेगा इसके अंदर, तो जैसे आपको फोर मिला इसके अंदर तो आप सेट में से उस फोर को बाहर निकाल लो, ठीक है। ऐसे थ्री मिला, थ्री को डाल दिया, फाइव मिला, फाइव को बाहर निकाल दो, देन वन मिल गया तो वन ऑलरेडी सेट के अंदर, तो वन को बाहर निकाल दो, तो आपका आंसर जो बचेगा सेट के अंदर वो सिर्फ थ्री बचेगा। इससे भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो ओ ऑफ एन स्पेस यूज़ करो या फिर ओ ऑफ एन स्क्वायर में करो। इससे और अच्छा तरीका हो सकता है, तो हाँ एक तरीका हो सकता है और अच्छा, जिसमें आपको कॉन्स्टेंट स्पेस में आप इसे सॉल्व कर पाओगे और ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है, हम यूज़ करेंगे XOR की प्रॉपर्टी को, और XOR की प्रॉपर्टी को यूज़ करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का XOR कर देंगे, ठीक है, एक एक करके सभी का XOR करेंगे, मतलब एक लूप चलाएंगे और XOR करते चलेंगे सबके साथ। तो इनिशियली तो हमारा वेरिएबल होगा जीरो, राइट। अच्छा, जीरो के साथ किसी भी नंबर का XOR करोगे वही नंबर बन जाता है, तो जीरो से स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो जीरो डाल दिया हमने, अब इस रिजल्ट को सभी के साथ XOR करते चलो। तो जब भी आप जीरो को फाइव के साथ XOR करोगे आपका आंसर आएगा फाइव, राइट। तो अब रिजल्ट में आ जाएगा फाइव, ठीक है, रिजल्ट में आ गया अब आपका फाइव। अब अगले इटरेशन में आप फाइव इस रिजल्ट का इसके साथ XOR करो, फोर के साथ, तो अब हो जाएगा ये फाइव XOR फोर, ठीक है, फाइव XOR फोर कुछ कुछ आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या आएगा, फाइव XOR फोर कुछ आएगा। फिर आपने इस रिजल्ट का वन के साथ XOR किया, ये हो गया फाइव XOR फोर XOR वन, राइट। अब आपने दोबारा से जब इसका फोर के साथ XOR किया, तो XOR बेसिकली करेगा क्या, ये जब भी इसको दो एलिमेंट मिलते हैं तो इनका XOR होता है और जीरो बन जाता है, राइट। दो नंबर का XOR होता है वो जीरो बन जाता है, और फिर जीरो के साथ किसी भी नंबर का XOR करोगे वही नंबर बन जाएगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो जब भी आप दो नंबर का XOR करते हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब इस एरे में से आप इसे बोल सकते हो कि ये कर देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसके बराबर होगा, फाइव XOR वन, मतलब कि फोर था ही नहीं इस एरे के अंदर कभी, इस तरीके का रिजल्ट बन जाएगा। बेसिकली आपके ये दोनों फोर एलिमिनेट हो जाएंगे, तो अब आपका हो गया फाइव XOR वन। अब अगले नंबर को लेकर आते हैं, अब आंसर हो जाएगा आपका फाइव XOR वन XOR थ्री, ठीक है। अब अगला नंबर आएगा विच इज़ फाइव, इसका फाइव के साथ XOR करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन दो बार फाइव है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये वाला फाइव गया, अब बन जाएगा ये वन XOR थ्री, ओके। अब वन XOR थ्री बन गया, अब अगला आता है आपका वन, वन का वन के साथ XOR, इसका XOR करेंगे तो अगेन वन से वन गायब हो जाएगा और आपके रिजल्ट में बच जाएगा थ्री। तो देख रहे हो आपने कॉन्स्टेंट स्पेस, मतलब एक सिर्फ ये वेरिएबल यूज़ किया है और इसकी हेल्प से आपने बस सभी एलिमेंट को XOR कर दिया और सिर्फ आपके पास एंड में सिर्फ वो नंबर बचेगा जो आपका आंसर है। इसको आपको अगर प्रूफ देखना तो आप प्रूफ भी बहुत ईजिली देख सकते हो। सपोज करो
मैं ऐसे करके XOR करते चलता हूँ, ठीक है। पहले मैं लूँगा 5, देन लूँगा 6, देन लूँगा 5, ठीक है। इन तीन नंबर्स का मैं XOR करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 5 होता है 101, राइट, 5 होता है 101, 6 होता है 110, 110, XOR करो, 1 XOR 0, 1, 0 XOR 1, 1, 1 XOR 1, 0, ठीक है। अब ये बन गया, कुछ भी होगा, हो सकता है अभी फिलहाल तो ये 3 बनाए, कुछ भी हो सकता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके साथ 5 का XOR करो, 5 होता है 101, 1 XOR 1 होता है आपका 0, 1 XOR 0 होता है आपका 1, 0 XOR 1 होता है आपका 1, ये बन गया आपका 6। तो देख लो 5 और 5 एक तरीके से कैंसिल आउट हो गए और आपका जो आंसर है वो 6 है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी कमाल की प्रॉपर्टी है ये। इसकी हेल्प से आप बेसिकली इस क्वेश्चन को कॉन्स्टेंट स्पेस के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी XOR की। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ दिस वन, जहाँ पर दो नॉन रिपीटिंग एलिमेंट मिल रहे हैं हमें एरे के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो काफ़ी बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आपको काफ़ी सारे एलिमेंट दे रखे हैं और हर एलिमेंट आपका दो बार रिपीट कर रहा है और दो नॉन रिपीटिंग एलिमेंट है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 3 और 2 रिपीट नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट दो दो बार रिपीट कर रहे हैं। तो आपको बताना है वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो XOR की हेल्प से आप कैसे सॉल्व करोगे इसे एक बार ज़रा सोचो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे आप XOR की हेल्प से इसे कर पाते हो। थोड़ा सा टाइम लो, यहाँ पर पॉज करो वीडियो को और थोड़ा सा टाइम लो और सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, अगर सॉल्व कर दिया था तो बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो भी टेंशन मत लो, मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्व होता है ये। बेसिकली होता है क्या, बिट मैनिपुलेशन के अंदर एक बात सुनो, बिट मैनिपुलेशन में होता है क्या, आपको ना अगर टेक्निक पता होगी तब आपके दिमाग में उसी टाइम स्ट्राइक कर जाएगा। अगर आपके पास टेक्निक नहीं पता होगी तो एक तरीके से पजल वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें पजल, आपका पजल का आंसर पता है तब आप बड़ी जल्दी आंसर कर सकते हो, उसी टाइप का कुछ कुछ है यहाँ पे। अगर आपको सारी सारे फंडे, सारी सारी ट्रिक्स आपको पता है तब आप बहुत इजीली कर पाते हो, बाकी इंट्यूटिवली नहीं आती इसके अंदर अप्रोच, ठीक है। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 3 वीडियोस तो हो गए हैं, तीसरी वीडियो है, तो हमने मेजर सारी सारी टेक्निक्स कवर कर लिए, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये वाली टेक्निक जरा मैं आपको बता देता हूँ एक और बार, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, आप सभी नंबर्स का अगर आप XOR लेते चलोगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट के अंदर आपका इस बार बच जाएगा 3 XOR 2, ठीक है। रिजल्ट के अंदर 3 XOR 2 बच जाएगा, आपको तो 3 और 2 दो चीज़ें चाहिए थी, है ना, 3 और 2 दो अलग अलग नंबर, लेकिन 3 XOR 2 बच जाएगा। और 3 XOR 2 अगर हम करके देखेंगे तो वो होता है 3 होता है 1 1, 2 होता है 1 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 0। तो दिस इज 1, बेसिकली 3 XOR 2 विच इज 1, ठीक है। ए XOR बी हमें यहाँ पे मिल चुका है, ए XOR बी मतलब वो दो एलिमेंट का XOR हमें यहाँ पे मिल चुका है जो कि नॉन रिपीटिंग है, बाकी सारे एलिमेंट तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपका सिर्फ ए XOR बी मिलेगा, राइट, ए और बी अगर हमारे वो दो नंबर्स से। अगर अब ए XOR बी हमें मिल चुका है, अब हमें लेकिन ए और बी अलग अलग फाइंड कर रहे हैं, ए XOR बी से तो काम नहीं चलने वाला, तो अब हमें ए और बी को अलग अलग करना है, राइट, वो कैसे करेंगे। तो आपका ए XOR बी आया कुछ इस तरीके से, हमें बेसिकली करना क्या है कि दोबारा से XOR कुछ इस तरीके से लेना है कि ए और बी में से कोई एक टर्म अलग निकल जाए और दूसरी वाली टर्म हमें मिल जाए, राइट, ऐसे करके कुछ करना है अब हमें, वो कैसे कर सकते हैं जरा वो सोचते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लगी, वो जरा बहुत कमाल की ट्रिक है, जरा ठीक से देखना। तो बेसिकली हुआ क्या, आपको पता ए XOR बी आपको मिल चुका है, अब हमें करना है क्या, ए XOR बी की राइट मोस्ट साइड बिट ढूंढ लो, ठीक है, राइट मोस्ट साइड बिट कहाँ पर है। तो ये आपका ए XOR बी है 0 1, इसकी राइट मोस्ट साइड बिट ये वाली पोजीशन पर, राइट, इस वाली पोजीशन पर, लकीली हमें इसी पोजीशन पर मिल चुकी है। तो हमें पता है इस वाली सेट बिट, क्योंकि ये वाली बिट सेट है, मतलब 1 है, इसका मतलब इस पोजीशन पर ये जो दो नंबर है हमारे ए और बी, इन दोनों की बिट अलग अलग होगी, तभी तो आपका XOR बनाया, दोनों बिट अलग होती है तभी आपका बनाया, ठीक है। ये वाली बिट अलग होगी, ये वाली बिट अलग होगी, हमें नहीं पता कौन से वाले नंबर की बिट कौन सी होगी, हमें बस ये पता है कि ये वाली बिट दोनों नंबर की अलग अलग होगी तभी हमारा XOR जो है वो बनाया इस वाली पोजीशन पर। ओके, हमने ये सेट कर लिया, अब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस पूरे एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर हम बोलेंगे कि ये वाली जो पोजीशन है ये 0th पोजीशन है, ठीक है, कि 0th पोजीशन पे किस किस नंबर की बिट 1 है और किस किस नंबर की बिट 0 है, इन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मत सोचो, बस अभी लॉजिक के बारे में सोचो, ठीक है, हम सिर्फ अभी लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें बस दो पार्ट में डिवाइड करना है जहां पर 0th इंडेक्स वाली बिट 1 है और 0 है, ठीक है। तो इस साइड हम डालेंगे 1 वाले को और इस साइड हम डालेंगे 0 वाले को, तो बेसिकली जो भी नंबर ऑड होगा वो आपका इस साइड आ जाएगा, क्योंकि ये वाली पोजीशन पर जो भी 1 होता है वो आपका ऑड नंबर होता है। तो 5 वाले की राइट मोस्ट सेट बिट, मतलब 0th पोजीशन वाली बिट 1 है, देन 1 की भी 1 होगी, देन 3 की भी 0th पोजीशन बिट 1 होगी, देन 5 की, देन 1 की, ठीक है। तो ये वाली एक बकेट बन चुकी है, और एक दूसरी बकेट में जो बाकी बचे हुए नंबर होंगे, तो 4 4 एंड 2 4 4 एंड 2, आपकी ये दो बकेट बन चुकी हैं। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो आपके वो जो दो नंबर थे वो अलग अलग बकेट्स में सेपरेट हो चुके हैं, आपका 3 यहाँ पर आ चुका है और 2 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है।
थ्री उस बकेट में आ चुका है जहां पर ये वाली बिट वन है, देखो ये थ्री की वाली बिट वन है, और टू उस बकेट में जा चुका है जहां पर ये वाली बिट जीरो है। ठीक है, अब हमें बेसिकली करना क्या है, ये जो रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट में अभी भी थ्री एक्सॉर टू है, इस रिजल्ट के साथ इसका एक्सॉर कर लेना। ठीक है, इस रिजल्ट को कहीं पर स्टोर कर लो या फिर टैंप में डाल दो, एक टैंप में इक्वल्स टू रिजल्ट कर दो, तो टैंप के अंदर भी आपका थ्री एक्सॉर टू आ जाएगा। ठीक है, थ्री एक्सॉर टू आ गया, अब थ्री एक्सॉर टू को इन सब के साथ एक्सॉर कर दो, तो थ्री एक्सॉर टू एक्सॉर ये सब नंबर, ठीक है ये एक्सॉर है, तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपके सारे सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ टू। ठीक है, आपका टू निकल गया, थ्री एक्सॉर टू में से टू आपका बाहर आ चुका है, तो ये तो आपका एक नंबर हो गया, दूसरा वाला नंबर, ठीक है, बी आपको मिल चुका है। अब आपको ए फाइंड करना है, ए फाइंड करने के लिए रिजल्ट के अंदर आप दोबारा से इसका एक्सॉर कर दो। ठीक है, तो रिजल्ट के अंदर था अभी हमारा थ्री एक्सॉर टू, उसके साथ हम इसका एक्सॉर कर देंगे टू का, तो टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा और हमें बी भी मिल जाएगा, बी हमारा थ्री आ गया। ठीक है, तो ए हमारा टू आ गया और बी हमारा थ्री आ गया, तो काफ़ी कमाल का लगा होगा, ठीक है मज़ा आया होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली दो तीन स्टेप हैं इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो सभी नंबर का एक्सॉर ले लो, ठीक है रिजल्ट के अंदर डाल दो, हमें पता है बाकी सारे नंबर तो कैंसिल कर जाएंगे, सिर्फ हमारे ए एक्सॉर बी हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए एक्सॉर बी हमें मिल जाएगा, अब हमें करना क्या है, ए एक्सॉर बी जो रिजल्ट आया है इसकी राइट मोस्ट सेट बिट ढूंढो कि राइट मोस्ट सेट बिट किस पोजीशन पर वन है, हमें दिख गया कि जीरो पोजीशन पर राइट मोस्ट सेट बिट वन है। ओके, ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जहाँ पर जीरो पोजीशन पर जिसकी बिट वन है और जीरो पोजीशन पर जिसकी बिट जीरो है। ठीक है, तो वन वाले को लेते चलेंगे हम साथ में, ठीक है इसको चाहे लो मत तो, ठीक है इसकी फर्क इसकी जरूरत नहीं है, तो जिसकी भी राइट मोस्ट सेट बिट वन है उसके साथ रिजल्ट का एक्सॉर लेते चलो। ठीक है, तो थ्री एक्सॉर टू हमारे पास ऑलरेडी है, हमें पता चला फाइव है, तो फाइव के साथ एक्सॉर ले लिया, देन वन के साथ एक्सॉर ले लिया, देन थ्री के साथ एक्सॉर ले लिया, देन फाइव के साथ एक्सॉर ले लिया, देन वन के साथ एक्सॉर ले लिया। ये सारे सारे ऑपरेशन कर लेने के बाद आप सर्टन हो सकते हो कि हमें इन दोनों में से कोई एक नंबर मिल चुका है। सपोज करो हमें नंबर मिल गया ए, ठीक है तो इसको आप दे दो कि हमें ए हमें मिल चुका है। अब हमें ए मिल चुका है, आपने ये ऑपरेशन टैंप के साथ करना था, ठीक है टैंप के साथ कर दिया होगा, देन आपको पता है रिजल्ट के अंदर भी थ्री एक्सॉर टू है, तो थ्री एक्सॉर टू के साथ आप दोबारा से इसका एक्सॉर ले लोगे ए का, तो आपको दूसरा वाला नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ईजीली ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और कॉन्स्टेंट स्पेस के अंदर ही हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इन दोनों क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली फाइंड द ओनली नॉन रिपीटिंग एलिमेंट इन एन एरे वेयर एवरी अदर एलिमेंट रिपीट्स थ्राइस। तो इस वाले क्वेश्चन में हर एलिमेंट आपका सिर्फ दो बार रिपीट कर रहा था, यहाँ पर आपके एलिमेंट तीन बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब तीन बार अकर हो रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि आपको एक एरे दे रखा है जिसके अंदर सारे सारे एलिमेंट आपके तीन बार आ रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो फाइव आपका सिर्फ एक बार है, बाकी टू भी आपका तीन बार अकर हो रहा है, टू टू टू, और वन भी आपका तीन बार अकर हो रहा है, ऐसे करके मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, और आपको फाइंड करना है कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि सिर्फ एक बार आ रहा है। और इस क्वेश्चन के और भी वेरिएशन आ सकते हैं जो कि एक बोनस क्वेश्चन होने वाला है इसके बाद, वो ये होगा कि वो एलिमेंट बताओ जो कि सिर्फ वन टाइम है और बाकी सारे एलिमेंट आपके के टाइम अकर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर के इक्वल्स टू थ्री है, बाकी के इक्वल्स टू फोर, के इक्वल्स टू फाइव, ऐसे भी हो सकता है, तो वो वाला क्वेश्चन भी इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद ईजिली हो पाएगा। इसको आप सॉल्व करने का ट्राई करो ए एक्स और बी वाले तरीके से, तो ए एक्स और बी वाले तरीके से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए एक्स और बी वाला जो तरीका है वो आपका काम करता है बाइनरी एक्सॉर पे, मतलब आपका बाइनरी एक्सॉर पे काम करता है, अगर दो नंबर एक जैसे हैं तब आपका जीरो हो जाता है, अदरवाइज आपका वो नंबर कुछ और बन जाता है। राइट, यहाँ पर या तो आप उसको मॉडिफाई करो, एक थ्री एरी बाइनरी की जगह थ्री एरी आपको बनाना पड़ेगा एक्सॉर वाला फंक्शन, वो भी आप कर सकते हो, या फिर एक और अच्छा तरीका है जैसे हम सॉल्व करने वाले हैं इसे, जो कि होगा हम पता करेंगे कि कौन कौन सी बिट्स पे आपके नंबर थ्री टाइम्स अकर हो रहे हैं और कौन सी बिट पे आपके थ्री एन प्लस वन टाइम अकर हो रहे हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो टेंशन मत लो, बेसिकली हो गया, आपको पता है कि कोई भी नंबर है अगर ये इंट के अंदर है सारे नंबर, तो हर नंबर आपका 32 बिट स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, ये आपके 32 बिट्स हैं इस तरीके से है, तो सपोज करो ये 2 है, अब 2 होता है आपका हमारा 10, राइट 2 आपका होता है 10, पहला नंबर लिया हमने 2 होता है हमारा 10, तो इस वाली पोजिशन पर आपका 0 है, राइट, तो इस वाली पोजिशन पर हम 0 रखेंगे। अब इस वाली पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पर आपका वन है, तो हम इसको बोल देंगे कि ठीक है एक इंक्रीमेंट हो जा, अगला टू आएगा, अगले टू में अगेन ये वाली पोजीशन पर जीरो है तो ये जीरो ही रहेगा, और इस वाली पोजीशन पर ये वन है तो हम इसको बोलेंगे कि ठीक है टू हो चुका है, तो हम आप बोल देंगे यहाँ पर टू हो चुका है। बेसिकली मैं काउंट कर रहा हूँ, ये बेसिकली काउंट एरे बना रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये एक एरे है ऑफ 32 साइज, और इस काउंट एरे की हेल्प से ही हम बताने वाले कि हमारा वो नंबर कौन सा है, और ये काउंट एरे बेसिकली वो काउंट रखे कि यहाँ पर ये जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं इनके जो वन बिट है वो कितनी बार आ रही है। ठीक है, किस पोजीशन पे कितनी बार वन बिट आ रही है। अगला नंबर है हमारा वन,
वन यहाँ पर वन होता है, तो वन के लिए ये वाली बिट वन होती है। देन अगला नंबर है फाइव, फाइव होता है हमारा 101 के लिए ये वाली बिट आपकी वन होती है, तो ये हो गया आपका टू, देन ये भी टू ही रहेगा, देन ये वाली बिट भी वन होती है, तो ये हो जाएगा वन। अगला नंबर आता है आपका वन, वन के लिए ये वाली बिट जो होती है वो वन होती है, तो ये हो जाएगा टू से थ्री। देन अगला बिट नंबर आता है वन, तो ये वाली बिट अगेन फोर हो जाएगा ये। देन अगला होता है टू, टू होता है वन जीरो, तो ये वाली बिट तो जीरो होती है, ये वाली बिट वन होती है, तो ये हो जाएगा आपका थ्री। ठीक है, ओके। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये एरे अब हमारे पास है। अब इस एरे की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर फाइव है। अब जरा ये देखते हैं, तो बेसिकली आपको पता है कि हर नंबर जो है वो थ्री के मल्टीपल में है। ठीक है, हर नंबर थ्री बार रिपीट हुआ है, बस एक नंबर तीन बार रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं जो कि टू 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 है, टू 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 मतलब वन जीरो, वन जीरो और वन जीरो, मतलब ये वाली पोजिशन जो है, जो फर्स्ट पोजिशन है, ये थ्री के मल्टीपल में होगी, इसके अंदर वन है ना। अगर एक्स्ट्रा वन होगा तो वो थ्री एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा वन होगा तो वो थ्री एन प्लस वन हो जाएगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से पोजिशन पर थ्री के मल्टीपल में है। तो ये वाली पोजिशन पर थ्री के मल्टीपल में नहीं है, बचा हुआ नंबर जो है वो वन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये फोर है, तो फोर थ्री के मल्टीपल में नहीं है, तो बचा हुआ नंबर जो है वो वन हो गया। ओके, ये वन हो गया, ये थ्री के मल्टीपल में, इसका मतलब यहाँ पर जीरो होगा। ये थ्री के मल्टीपल में नहीं है, तो ये वाला बचा हुआ नंबर वन हो जाएगा। ठीक है, आपको मिलता है 101, और 101 आपका फाइव होता है। आपको इस एरे में से मिल गया 101। अब ये आपको पता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101 है, इसकी हेल्प से आप इजीली वो नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, टू रेस पावर कर करके, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थ्री टाइम रिपीट कर रहा है, आप चाहो तो के टाइम रिपीट करा लो। के टाइम रिपीट करोगे तो यहाँ पर आपको मॉड्यूलो के करके देख लेना है। यहाँ पर मैं मॉड्यूलो थ्री करके देख रहा था, आप मॉड्यूलो के करके देख लोगे। अगर के मॉड्यूलो में है तब तो जीरो है उस जगह पे, अगर के मॉड्यूलो में नहीं है तो उस जगह पे वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। और ये वाला भी ओ ऑफ वन स्पेस है, बेसिकली आपने 32 साइज का एरे लिया है, लेकिन ये भी कॉन्स्टेंट स्पेस ही माना जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट स्पेस के अंदर, ओ एंड टाइम के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था, आई होप आप लोगों को मजा आया हो। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे हैं, इसके बाद आपको मैं थोड़े से असाइनमेंट देता हूँ। पहले तो इंटरव्यू बिट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो एक बार जाके सॉल्व कर देना वो सारे क्वेश्चन। उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आपको गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर जाके उनके जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो जरा सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे, तो उनके एडिटोरियल को जाके समझना। ठीक है, अगर आप पहली बार बिट्स देख रहे हो तो उनके एडिटोरियल को जाके समझना, उनके अंदर कुछ कुछ नए नए कंसेप्ट हो सकते हैं बिट्स के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया बिट्स के अंदर ऐसे होता है, बिट्स के अंदर कुछ कंसेप्ट अगर आपको उन्हें पहले से पढ़ रखे हैं तब तो दिमाग में क्लिक कर जाएंगे, अगर नहीं पढ़े तो पहली बार उन्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है, इंट्यूटिवली इतनी जल्दी नहीं समझ में आता है बिट्स, काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं इसके अंदर, लेकिन एक बार जब आप वो ट्रिक समझ लेते हो तो उसके बाद बिट्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन जो कि समझ नहीं आता कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे होगी, वो बिट की हेल्प से कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, और फास्ट तो होते ही है कॉम्पिटेशनली, तो आपका कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर भी फायदा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बिट्स खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज हमारे बिट्स खत्म हो गए, बिट्स की तीन वीडियोस। अगर आपको पसंद आए हो तो एक बार जरा लिंक्डइन के ऊपर भी शेयर कर देना, जो भी आपने कोई नया कंसेप्ट अगर आप सीखा तो उस कंसेप्ट को जाकर लिंक्डइन पर शेयर कर देना। हमारा हैशटैग रहेगा #DSAOne। ठीक है, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय।